आप सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन ये बहुत खतरनाक पेन होता है। व्यक्ति बैठकर जब उठता है चलने के लिए तो चक्कर आ जाता है। सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की प्रॉब्लम होने पर स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है और न जाने कितने हॉस्पिटलों में चक्कर लगाता है। जिसे ये प्रॉब्लम हो जाती है उसका सोना और जागना दोनों ही बड़ा कठिन हो जाता है। लंबी लंबी लाइनों में हॉस्पिटलों में व्यक्ति लगा रहता है और कई बार तो ऐसे केसेस हमारे पास आए कि जो एम्स हॉस्पिटल से भी वो लंबे समय से ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन लाभ उतना नहीं मिल रहा था। तो योग आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप योग और आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती क्यों है? सबसे पहले उस कारण को दूर किया जाए। आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जब व्यक्ति मोबाइल पर काफ़ी लंबे समय तक गर्दन को झुकाकर एक ही पोस्चर में मोबाइल को देखता रहता है, उसका ध्यान ही नहीं रहता कि तुम्हारा गर्दन का पोस्चर क्या है, तो पूरा ध्यान मोबाइल में चला जाता है, तो ऐसे में सर्वाइकल पेन होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के टाइमिंग को कम करें। आप लगातार लंबे समय गर्दन को नीचे नहीं झुकाएं। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं या मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, आप ध्यान रखें आपकी गर्दन अधिक समय तक नीचे ना झुकी रहे। इससे स्टिफनेस आ जाती है और पेन बढ़ जाता है आपका। तो इसमें हम क्या करें, इसके उपाय पर आज बात करेंगे। इसमें योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास करें, बहुत इफेक्टिव होगा। नाड़ियों में आई हुई स्टिफनेस को ठीक करता है, नाड़ियों की जकड़न को ठीक करेगा। करेंगे कैसे, आप ध्यान से देखें। अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करें। अंगूठे से राइट नोस्टल को बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी, दूसरे हाथ को इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में रख लीजिए या प्राणायाम मुद्रा में। लेफ्ट से श्वास को लेना है धीरे धीरे। श्वास को अंदर ही रोके, जालंधर बंद लगाए। अब जालंधर बंद हल्का सा चिन्ह को झुकाना है बस, क्योंकि सर्वाइकल पेन है आपको तो गर्दन अधिक ऐसे नहीं झुकाएंगे, हल्का सा झुकाओ इस प्रकार से। मूल बंद लगाओ, अपने एनस भाग को मूत्रेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना है। फिर राइट से श्वास को धीरे से बाहर छोड़े, राइट से श्वास लें, श्वास को अंदर ही रोकें, लेफ्ट से बाहर छोड़ें धीरे धीरे। इस प्रकार से ये नाड़ी शोधन, हमारी जो मुख्य दो नाड़ियां इंडा और पिंगला, दोनों नाड़ियों में प्राण के प्रवाह को आप महसूस करेंगे, जिससे संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में प्राण प्रवाहित होने लगता है, ब्लड का फ्लो ठीक होने लगता है और स्टिफनेस कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये आपको आपके पेन को कम करेगा ये अभ्यास। तो नाड़ी शोधन, श्वास लेना है, जितना समय श्वास को लेने में लगता है धीरे धीरे उतना ही समय श्वास को अंदर रोके, बंद लगाएं, बंद ध्यान पूर्वक लगाएं, सावधानी पूर्वक लगाएं, मैंने आपको बताया। फिर धीरे धीरे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगाएं राइट से। फिर राइट से श्वास लें धीरे धीरे, श्वास को अंदर रोके, लेफ्ट से बाहर छोड़ें। ये नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन पर हमने एक अलग से इसके विस्तार से पूरी एक वीडियो बनाई है, उसको आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल योग गुरु राजेश पर, और ध्यान से उसको करें। दूसरा सूक्ष्म योग, सूक्ष्म योग करेंगे गर्दन के लिए, गर्दन को स्वस्थ बनाने के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए। और सूक्ष्म योग जब आप करेंगे तो इसके बहुत अधिक लाभ होंगे। सर्वाइकल पेन तो ठीक होगा ही, आपकी आईसाइट के लिए, जिन्हें माइग्रेन हेडेक रहता है, कंधों में जकड़न है, गर्दन में स्टिफनेस है, इन सारे रोगों में लाभकारी है। जिनको नींद नहीं आती, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप सूक्ष्म योग गर्दन के लिए, सूक्ष्म योग आप ध्यान से देखें,
अपनी कमर को सीधा करेंगे, सीधे होकर बैठें। नीचे नहीं बैठ सके तो आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, स्पाइन को सीधा रखें। बस श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे, जितना आसानी से ले जा सकते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, अब आगे अधिक नहीं झुकाएंगे, जितना आसानी से आप, जहाँ तक पेन न हो आपको, ये सावधानी रखनी है। धीरे धीरे पीछे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे। इस प्रकार से मैं आपको अभी दो बार ही करके दिखा रहा हूं, आपको कम से कम 10 times करना है इसको, गर्दन को अप एंड डाउन, फिर राइट और लेफ्ट। धीरे धीरे चिन्ह को अपने कंधे से पैरेलल कंधे के बराबर ले आए, श्वास अंदर लेते हुए फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें, बीच में आए और फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घुमाए गर्दन को। इस प्रकार से इसे भी आप 10 times कर लें। फिर आप अपने गर्दन को राइट साइड झुकाओ, इस प्रकार से राइट कान को राइट कंधे पर टच करें, जितना जा सकता है आसानी से। जिनको बहुत अधिक पेन है वो धीरे धीरे ही करें, इसे अधिक जबरदस्ती नहीं करें, धीरे धीरे श्वास लेते हुए बीच की स्थिति में श्वास छोड़ना है, फिर साइड में झुकते हुए श्वास को अंदर लेंगे। इस प्रकार से अब गर्दन को फिर धीरे से पीछे ले जाओ और इस प्रकार से यहां तक गोल घुमाओ, फिर वापस धीरे धीरे। तो ऐसे 10 times कम से कम। फिर अपने दोनों हाथों को लॉक करें इस प्रकार से और अपने सिर के पीछे रखिए, दोनों हाथों को दबाव दें अपनी हथेलियों से, गर्दन सीधी रखते हुए हथेलियों से सिर की ओर, सिर से हथेलियों की ओर दबाओ, तो आपके पूरा गर्दन के भाग पर दबाव पड़ेगा। श्वास को अंदर रोक के रखना है, धीरे से छोड़ेंगे श्वास, दबाव को भी छोड़ दीजिए, फिर से दबाव दें, धीरे धीरे करें श्वास को अंदर भरते हुए सावधानी पूर्वक, फिर से छोड़ें। इसे भी आप 10 times कर लीजिए। फिर अपने माथे पर रखें अपने हाथों को, ये नेचुरल ट्रैक्शन हो जाता है आपका, गर्दन को सीधा रखते हुए धीरे से श्वास के साथ छोड़ना है प्रेशर। फिर अपने चिन्ह के नीचे रखना है, दबाव दें, धीरे धीरे इस प्रकार से। फिर अपने राइट हथेली को राइट कान से ऊपर रखेंगे, दबाव देंगे, इस दबाव को महसूस करेंगे। आंखें बंद रखते हुए करें सारे अभ्यास, एक बार ठीक से सीख ले उसके बाद आंखें बंद करके फोकस के साथ ये 10-10 times आप आराम से बैठकर, आपको लगेगा इसमें 15-20 मिनट इन अभ्यासों करने के लिए। धीरे धीरे 10 times हर अभ्यास को 10 times करना है, 10 times ये गोल घुमाओ धीरे धीरे इस प्रकार से, गर्दन सीधी रखने, गर्दन इसमें झुकाना नहीं है, इसमें ये सावधानी रखनी है, सावधानियों के साथ ही अभ्यास को करें धीरे धीरे इस प्रकार से। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए कंधों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, धीरे धीरे। फिर दोनों हथेलियों को इस प्रकार से बंद करते हैं, दोनों मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठी का दबाव देंगे, गर्दन सीधी रखेंगे बिल्कुल, पूरा दबाव इसे फील करेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को इस प्रकार से सामने की ओर, दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर खोलें इस प्रकार से, धीरे धीरे वापस। इसे भी आप 10 times कर लीजिए, पूरा प्रेशर बनाना है आपस में, दोनों मुट्ठी का पूरा दबाव बना रहे आपका। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज का अभ्यास हो जाता है, सूक्ष्म योग। ये योग का एक पार्ट है और बहुत इफेक्टिव है, आपके
स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आरोग्य के लिए ये सूक्ष्म योग बहुत अच्छे अभ्यास है, इनको आप ज़रूर करें। तो यदि आप पहले से ही करेंगे तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। आज के समय में जो लाइफस्टाइल जिस तरह का हो गया है उसमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हर दूसरे व्यक्ति को है। तो आप इन अभ्यासों को प्रतिदिन करना शुरू करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें एक विशेष अभ्यास आप देखेंगे, जिसे आप सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो उठने से पहले ही अपने बेड पर ही आप इसे कर लें तो आपको सर्वाइकल पेन में बहुत लाभकारी रहेगा। ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप इसे भी ज़रूर करें। आप देखिए किस प्रकार से इसे करेंगे। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उठने से पहले ही आपको इस प्रकार से गर्दन को पीछे लटकाना है अपने बेड पर ही। धीरे से अपने एल्बो की सपोर्ट लेते हुए इस प्रकार से आप पीछे बेड के कॉर्नर पर अपने गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे ब्रीदिंग करें, श्वास लेते रहें, आंखें बंद कर लें। अब पीछे लटकाना उतना ही है जितना आसानी से आप कर सकें, दर्द नहीं होना चाहिए आपको। यदि इतना लटका सकें तो पहले इतना लटकाएं धीरे से, और पीछे जाना चाहें तो पीछे जाएं धीरे धीरे ऐसे। तो इस अभ्यास को आप फिर वापस आते हुए भी आपको धीरे धीरे एल्बो की सपोर्ट लेते हुए ऐसे वापस आना, गर्दन को उठाना नहीं है, अभी धीरे से ढीला छोड़ दें अपनी बॉडी को ऐसे। तो आपने देखा कि इस अभ्यास को आपको धीरे धीरे करना है, अपने बेड से पीछे की तरफ जाना है गर्दन को लेकर, फिर धीरे धीरे वापस अपने एल्बो की सपोर्ट से और रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बाएं करवट से आप उठ जाएं धीरे से। तो इसे आप ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है उनको हम गिरवावस्थी, आयुर्वेद में पंचकर्मा का ट्रीटमेंट है वस्ती, उसमें गिरवावस्थी गर्दन के ऊपर एक आटे का रोल कर बनाते हैं, उसमें मेडिकेटेड ऑयल से उसकी सेक करते हैं, जिससे जो स्टिफ टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं, ब्लड का फ्लो वहाँ पर ठीक होने लगता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन्हें किसी भी चीज़ से लाभ नहीं होता उनको गिरवावस्थी से लाभ होता है, और साथ में कुछ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक भी केस ऐसा नहीं रहा जिसमें जो ठीक नहीं हुआ हो। जो कितना भी पुराने से पुराना सर्वाइकल पेन है, तो आप योग आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।